होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है डेटा कम्युनिकेशन। तो वी विल डिस्कस व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, हाउ कंप्यूटर कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस एंड हाउ ह्यूमंस कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, हम इसको आज डिस्कस करते हैं। तो इन द फर्स्ट स्लाइड, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कंपोनेंट्स जो आपका ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स जिनके बगैर कोई भी कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा, कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर ह्यूमंस, अगर हमने किसी से कोई बात करनी है तो नेक्स्ट पर्सन का अवेलेबल होना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने स्काइप पे बात करनी है, फेसबुक पे बात करनी है, कॉल पे बात करनी है, तो जब तक नेक्स्ट पर्सन अवेलेबल नहीं होगा तो वी कैन नॉट कम्युनिकेट टू दैट पर्सन। तो उसका अवेलेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देर आर सम कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स को आज हम इसी तरह स्टडी करेंगे कि व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स जिनके बगैर हम कोई जो है तो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, हम कोई बात एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक या नहीं सेंड कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज, जो आपको ये जो फर्स्ट मैसेज है, तो इन्फॉर्मेशन डेटा टू बी कम्युनिकेटेड। तो मैसेज वो है कि जो बात आपने कन्वे करनी है, दूसरों तक पहुंचानी है, दैट इज अ मैसेज। अगर हमारे पास कोई बात नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम जो है तो देर इज नो वे टू कम्युनिकेट विद अदर। तो हम किसी को अगर कॉल करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई ना कोई बात होती है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो हम शेयर करना चाहते हैं, इसलिए हम किसी थर्ड पर्सन को या सेकेंड पर्सन को हम कॉल करेंगे। इसी तरह जो सेकेंड है, सेंडर, डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू कॉल योर फ्रेंड, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल करना चाहते हैं, किसी फैमिली मेम्बर को कॉल करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई ना कोई डिवाइस होनी चाहिए जिसके थ्रू आप उसको कॉल कर सकें। तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड अ सेंडर। फॉर एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर, अगर आपने स्काइप पर बात करनी है, या वीडियो कैमरा इज ऑल्सो अ डिवाइस, और एनी अदर डिवाइस दैट कैन बी कनेक्टेड टू नेटवर्क। इसी तरह रिसीवर, रिसीवर डिवाइस दैट रिसीव द डेटा मैसेज। अब अ कंप्यूटर इज ऑल्सो अ सेंडिंग डिवाइस एंड अ रिसीवर डिवाइस, ठीक है। अगर मैंने कंप्यूटर के थ्रू स्काइप पे किसी से बात करनी है तो जो नेक्स्ट पर्सन होगा उसके पास भी एक कंप्यूटर पड़ा होगा और उसमें स्काइप इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि कंप्यूटर जो है वो दोनों काम करता है, वो मैसेज को सेंड भी करेगा और मैसेज को रिसीव भी करेगा। और उसकी तरह ट्रांसमिशन मीडियम, तो उसके बाद हम नॉर्मली देखते हैं कि व्हाट इज द ट्रांसमिशन मीडियम, कि हमने किस के थ्रू चीजों को कम्युनिकेट करना है। आइदर दैट इज दैट आर सम केबल जो फिजिकल मीडियम है, या आपने एयर के थ्रू करना है, सैटेलाइट के थ्रू करना है, ठीक है। तो दैट इज अ फिजिकल पाथ बाय विच अ मैसेज ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो दीज आर फोर कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स के बगैर जो है तो कोई भी कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होगा वो सेंड नहीं होगा। अब ये जो ट्रांसमिशन मीडियम है इसको आप ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर मैंने कॉल करनी है तो कॉल करने के लिए जो मीडियम यूज किया जाता है वो कौन सा है, एयर का आप कह सकते हैं, ठीक है। GSM सिग्नल्स हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, तो ये मीडियम्स हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट इज डेटा कम्युनिकेशन मॉडर्न। आपने देखा होगा कि यू हैव डिवाइसेज इन योर होम्स, जैसे PTCL है, PTCL की डिवाइस आपके पास होती है, ठीक है, मॉडर्न जो घरों में लगा होता है। तो उस मॉडर्न को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। MO स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड DEM स्टैंड फॉर डी मॉड्यूलेटर। अब इसका काम क्या होता है कि ये बेसिकली मॉडर्न वर्क्स इन टू फेजेस। जो इसका फर्स्ट फेज है जिसको हम कहते हैं कि मॉड्यूलेशन फेज, तो मॉड्यूलेशन फेज में वो क्या काम करेगा कि जो आपके डिजिटल सिग्नल्स होंगे वो उनको कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल, ठीक है, विच आर देन ट्रांसमिटेड अक्रॉस द टेलीफोन लाइन। कि जब आप टेलीफोन में बात करते हैं तो बेसिकली जो प्रोसेस होगा, जो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि जो आपके डिजिटल सिग्नल्स होंगे वो ट्रेवल करेंगे एनालॉग सिग्नल में, ठीक है, इन द टेलीफोन लाइन। और इसी तरह रिवर्स जो सेकेंड फेज होगा उसमें क्या होगा बेसिकली डी मॉड्यूलेशन फेज में, कि जो आपके एनालॉग सिग्नल्स हैं वो दोबारा कन्वर्ट किस में होंगे, डिजिटल सिग्नल्स में फॉर द कंप्यूटर। क्योंकि हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया है कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, तो बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड द डिजिट, तो इसलिए वो नॉर्मली क्या, आजकल तो देर आर सम कंप्यूटर जो हाइब्रिड हैं, एनालॉग एंड डिजिटल बोथ कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जो मॉडर्न का बेसिकली ऑपरेशन है कि मॉड्यूलेशन फेज में
वो डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करेंगे, और डीमॉड्यूलेशन फेज में एनालॉग टू डिजिटल जो है तो सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है. तो आ डिवाइस दैट कन्वर्ट सिग्नल्स फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल और कॉल्ड एज मॉडम. अच्छा, ये जो मॉडम होती है, जो डिवाइस आपके घरों में लगी हुई है, PTCL की भी मॉडम डिवाइसेज हैं एंड देर आर सो मेनी अदर कंपनी जिनकी आपके पास है, एयरटेल है, क्यूबी की डिवाइस व तीन की, ठीक है. तो बेसिकली जो मेन फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म करती हैं, दैट इज अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग. जैसे यहाँ पे फाइल ट्रांसफर इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स आइदर थ्रू टेलीफोन लाइन्स और अ नेटवर्क. तो फाइल ट्रांसफर में बेसिक इज अ प्रोसेस जिसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. वो इंफॉर्मेशन शेयर हम टेलीफोन लाइन्स के थ्रू भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग नेटवर्क भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग क्लाउड भी कर सकते हैं. जैसे जीमेल आपको ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करें, ठीक है, और आप रिमोटली दुनिया के किसी भी कोने से उसे एक्सेस करें. तो एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं अपलोडिंग, एंड सेकेंड इज डाउनलोडिंग. वेन यू प्लेस समथिंग ऑन इंटरनेट तो उसको हम कहते हैं दैट इज अपलोडिंग, ठीक है, और उसी इन्फॉर्मेशन को आप रिमोटली किसी दूसरी जगह से आप एक्सेस करेंगे तो हम कहते हैं कि दैट इज द डाउनलोडिंग प्रोसेस. अच्छा जी, यहाँ तक हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज मॉडम, और उससे पहले हमने देखा कि व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड नाउ वी विल डिस्कस सम प्रोटोकॉल्स. ऑब्वियसली जब हमारी क्लास का फर्स्ट लेक्चर था और हमने ये डिस्कस किया था कि वी विल फॉलो सम प्रोटोकॉल्स, ठीक है, कि जो बच्चा लेट आएगा उसको जो है तो हम क्या पेनल्टी देंगे, इफ आई विल कम लेट तो मैं जो है तो डबल पेनल्टी पे करूंगा, ठीक है, जो भी. तो दोज वर सम प्रोटोकॉल्स, और इन्हीं प्रोटोकॉल्स को हमने डिसाइड किया था कि वी विल फॉलो थ्रू आउट द सेमेस्टर. तो इसी तरह विदाउट प्रोटोकॉल्स और सेट ऑफ रूल्स नो कम्युनिकेशन कैन बी गवर्न. तो यहाँ पे यही बात बताई गई है, अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है. कंप्यूटर हैज प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स. कंप्यूटर क्या करता है, उन्हीं रूल्स के ऊपर काम करेगा, और जो रूल्स हमने उन्हें बताए हैं उन्हीं रूल्स को वो फॉलो करेगा और फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी. अब विदाउट अ प्रोटोकॉल डिवाइसेज मे बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिंग. इस सेकेंड लाइन का क्या मतलब है कि अगर आप कंप्यूटर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको तो ऐसे नजर आएगा कि डिवाइस कनेक्ट है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर रही होगी, काम नहीं कर रही होगी. फॉर एग्जाम्पल समटाइम जैसे होता है कि आपने वाईफाई आपका जो मोबाइल फोन है वो वाईफाई डिवाइस के साथ कनेक्टेड आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा होता, जस्ट बिकॉज कि आप रॉन्ग पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं लेकिन जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता. जैसे तरह अगर आपने ब्लूटूथ के थ्रू कम्युनिकेशन करनी है तो डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे लेकिन अगर आप रॉन्ग पासवर्ड देंगे तो आप एक फाइल को दूसरी डिवाइस तक जो है तो वो शेयर नहीं कर सकते. तो ये जस्ट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी. तो इसी डायग्राम के अंदर भी आपको बताया गया है कि दिस इज रूल 1, 2, 3 एंड देयर मे बी मैनी रूल्स जो कि सेंडर ने फॉलो करने हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देरी हमने एक प्रोटोकॉल बनाया कि अगर आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है तो गूगल क्लासरूम पे करनी है, ठीक है, एंड यू ऑल आर सेंडर्स, आप सारे स्टूडेंट्स हैं एंड स्टूडेंट्स क्या है सेंडर, तो आपने इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने हैं. मैसेज में आपका क्या आ जाएगा, असाइनमेंट, एंड मीडियन आपका क्या, इंटरनेट, ठीक है, और उसके बाद रिसीवर कौन है, मैं रिसीवर हूँ, और मैं क्या करूँगा, इन्हीं जो सेट ऑफ रूल्स हैं उनके थ्रू उन चीज़ों को एवेल्युएट करूँगा कि आपने कैसे काम किया. अच्छा जी, अब रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, यही जो हम बात कर रहे हैं कि रूल्स फॉर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन अ टर्मिनल एंड अ कंप्यूटर और टू कंप्यूटर्स. ये जो टर्मिनल लिखा है, टर्मिनल का क्या मतलब होता है, अ सिंगल कंप्यूटर, ठीक है. अगर एक कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब के अंदर 10 कंप्यूटर्स हैं और देर आर 15 कंप्यूटर्स, तो 15 कंप्यूटर्स आर टर्मिनल्स, हम कह सकते हैं कि दीज आर टर्मिनल कंप्यूटर्स. या समटाइम्स हम इन्हें पीयर्स भी कहते हैं, समटाइम्स हम इन्हें नोड्स भी कहते हैं. तो ये है कि इन अ लैब इफ देर आर 15 कंप्यूटर्स हाउ दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो हम कहते हैं कि दे विल फॉलो सम प्रोटोकॉल्स जिनको हम सेट ऑफ रूल्स कहेंगे. एंड दीज प्रोटोकॉल्स आर एग्रीमेंट ऑन हाउ डाटा इज टू बी सेंट एंड रिसीव्ड एक्नॉलेज, ठीक है. तो दिस इज बेसिकली एन एग्रीमेंट कि जिसको हम फॉलो करते हैं और हम इन चीज़ों को प्लान करते हैं कि हमने डेटा को भेजना कैसे है
और आगे से हमें रिस्पांस कैसे मिलेगा। रिस्पांस को हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को मैसेज भेजा और आगे से वो कह रहे हैं कि आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, दैट इज एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, तो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस सम कम्युनिकेशन मोड्स, जिसको हम कहते हैं कि जस्ट लाइक कि आपका सेल फोन है, सेल फोन के भी डिफरेंट मोड्स होते हैं। साइलेंट मोड पे आप लगा सकते हैं, साइलेंट मोड के अलावा आपके पास जो है तो रिंगटोन का मोड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वाइब्रेशन मोड है। इसी तरह अगर आप एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट को रीड ओनली मोड में भी आप कर सकते हैं, पासवर्ड मोड भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडिटिंग मोड में भी आप डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट मोड्स। तो इसी तरह अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो देर आर थ्री बेसिक मोड्स, उनको हम कहते हैं एक को कि दिस इज अ सिंप्लेक्स। ये सिंप्लेक्स की हम बात करेंगे। अब सिंप्लेक्स इज बेसिकली वन वे कम्युनिकेशन, इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। सिंप्लेक्स इज वन वे कम्युनिकेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस यूनिडायरेक्शनल। इसका क्या मतलब है? वन सेंड्स एंड द अदर ओनली रिसीव्स। जैसे कीबोर्ड से मैंने अगर किसी कीबोर्ड की किसी की को प्रेस किया तो कीबोर्ड क्या करेगा? मैंने जो भी की प्रेस किया उसको डिटेक्ट करेगा और उसको फर्दर प्रोसेस करेगा, ठीक है। कीबोर्ड जैसे मैं फॉर एग्जांपल ए प्रेस करता हूं तो कीबोर्ड आगे से मुझे आवाज नहीं आएगी कि यू हैव प्रेस द ए, ठीक है। एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर्स एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, अगर आप न्यूज सुनते हैं तो आपको अगर न्यूज अच्छी लगती है, ठीक है, फाइन। अगर आपको नहीं अच्छी लगेगी तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट चेंज द टीवी चैनल, आपको चैनल चेंज कर लें। इससे ज्यादा आप और कुछ नहीं कर सकते। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा? ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन, जब हाफ डुप्लेक्स की हम बात करेंगे। और इसकी जो बेसिकली एक बेस्ट एग्जांपल है वो है वॉकी टॉकी। ये जो ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़े होते हैं वॉकी टॉकीज, और वो अगर एक गाड़ी वाला जो है तो किसी सिग्नल को ब्रेक करेगा और वहां से निकल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वॉकी टॉकी पे मैसेज सेंड करते हैं जो नेक्स्ट पर्सन नेक्स्ट जो है तो सिग्नल पे खड़ा होगा, और उसे बताते हैं कि दिस इज द नंबर ऑफ दैट व्हीकल, तो आपने उसे स्टॉप करना है। तो वॉकी टॉकी में क्या होता है? पहले वो बटन प्रेस करेंगे, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, देन दे विल रिलीज दैट बटन, और देन जो है तो वो वॉइस ट्रांसमिट होगी। लेकिन दोनों सेम टाइम पे बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। और इसी तरह अगर हम फुल डुप्लेक्स की बात करें तो बोथ स्टेशंस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है टेलीफोन। अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो आप एक ही टाइम के ऊपर डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली।